मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरी एक गवाही है, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब एक लॉकडाउन हो गया था, दूसरा मेरी ना खाला की डेथ हो गई थी। तो मैं शायद स्ट्रेस था या डर था, क्या था, मैं बहुत ज़्यादा ना बीमार हो गई थी। कोई 3 से 4 माह तो मेरे मोशन ही नहीं रुके, मोशन और वॉमिटिंग नहीं रुकी ना। काफ़ी इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, प्राइवेट इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। काफ़ी जगहों से मैंने दवाएं भी करवाई थी। तो मैं 1 महीना जो है ना, मैं सोई नहीं। 1 महीना मैं नींद की गोलियां खा के सोती थी। तो एक दिन मैं ऐसे लेटी हूँ, मैंने कहा खुदावंदा आज मैं नींद की गोली के बगैर सोऊं। तो इतनी बात मैंने की और मेरी सुबह आँख खुली है, और उस दिन से मैं नींद की गोली के बगैर सोती हूँ। यानी कि 1 महीना जो है मैं मतलब नींद की गोली खा के फिर सोती थी, और वो भी मैं ठीक तरह नहीं सो पाती थी। जैसे बंदा सोता है अपनी नींद, वैसे नहीं सोती थी। गोली खाने के बावजूद मुझे जो है ना 10 मिनट मेरी आँख लगती थी और खुल जाती थी। और मेरे अंदर इतना खौफ था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं, अगर रात है तो मुझे ये ऐसे लगता था कि मुझे दिन नसीब नहीं होना, अगर दिन है तो मुझे लगता था मुझे शाम नसीब नहीं होनी। मतलब इस हद तक मैं बीमार हो गई थी। मुझे हर टाइम यही खौफ रहता था, मैंने अभी मर जाना है, अभी मर जाना है। और मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। 4 से 5 महीने जो है मैं एक जिंदा लाश की तरह रही हूँ। तो खुदावन के फजल से पास्टर इशफाक साहब से रब्ता हुआ। तो पास्टर इशफाक साहब ने दुआ की, हमारे घर भी आए, उन्होंने दुआ की मुझ पर, मेरी फैमिली पर, हमारे घर पर। तो घर देखकर ना हमें बहुत अजीब सा खौफ आता था। तो अब कोई ऐसा ना डर है, घर में डर है ना, दिल में डर है। सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं, और घर जो है ना बिल्कुल हमारे घर का माहौल बदल गया। तो क्या मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शफाक साहब की, और खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद बचूंगी या मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगी। मैं पागल खाने तक मैं मेडिसिन लेके आई हूँ कि इतनी मैं वो मेंटली तौर पे ना वो हो चुकी थी। तो पागल खाने तक की मैंने मेडिसिन खाई है। तो बहुत जो है ना वो मुश्किल वक्त था। खुदावन किसी पर ऐसा वक्त ना लाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पास्टर शफाक साहब की, जिनके वसीला से मैंने शिफा पाई। शिफा देने वाला हमारा खुदा है, वसीला बनते हैं। खुदा ने मुझे पास्टर शफाक साहब के वसीला से मुकम्मल तौर पर शिफा दी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं मतलब ये बीमार हुई थी, स्ट्रेस में चली गई थी, तो मुझे 1 साल जो है मेरे ख्वाब ख़त्म नहीं हुए, और मुझे सिर्फ मुर्दों के ख्वाब आते थे। मेरे ख्वाबों में सिर्फ मुर्दे आते थे। पूरी पूरी रात मैं, मेरी जब भी आंख लगती थी, मेरी ख्वाब में मुर्दे लोग आना शुरू हो जाते थे, और खौफनाक किस्म के जो है ना ख्वाब आते थे। एकदम मेरी आँख खुल जाती थी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। तो खुदावन का शुक्र है कि मैं इन सारी चीज़ों से निजात हासिल कर चुकी हूँ। खुदावन के नाम से मैं शिफा पा चुकी हूँ, और मैं खुदावन की नहायत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपना सारा जलाल उस जिंदा यसु को देती हूँ। बेशक हमारा खुदावन हमारा मददगार है, हमें शिफा देने वाला खुदा है, हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है, हमें शैतान के जंगल से बचाने वाला खुदा है। मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ, और पास्टर इशफाक साहब का शुक्र अदा करती हूँ, जिनके वसीला से मैंने शिफा पाई।
आप सबकी सलामती हो।